अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं आप लोगों को दूंगी आज ब्राउनीज़ की परफेक्ट और अथेंटिक रेसिपी, जिसे आप ट्राई करें और आप इंजॉय करें। कभी ऐसा होता है कि हम घर में जब ब्राउनीज़ बनाते हैं तो वो फ्लैकी नहीं बनती, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फ्लैकी क्यों नहीं बनती और इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये फ्लैकी बनेगी। और इसके साथ ही मैं इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनकी मेजरमेंट भी बताऊंगी आपने कितना क्या इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने शुगर ले लेनी है। शुगर हमने लेनी है 1 कप, और बेकिंग के लिए आप लोगों के पास कप वगैरह मेजरमेंट के लिए होंगे ही। अच्छा, यहाँ पे मैदा मैंने लिया, यहाँ पे 1/2 कप लिया है, और ऑयल भी मैंने 1/2 कप ही ले लिया है। इसके साथ मैं कोको पाउडर लूँगी 1/3 कप। अच्छा, कोको पाउडर आप जब भी इस्तेमाल करें किसी ब्रांड का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने खुला मंगवाया था तो वो बिल्कुल ही फजूल था, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, और मैंने जब केक बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बना था और ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर मिट्टी मिट्टी हो। 1 टेबल स्पून आपने कॉफ़ी लेनी है, ये ऑप्शनल है, उसमें 3 या 4 चम्मच पानी के मिला के इसको मिक्स कर लें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने ली है चॉकलेट, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे न्यूट्रेला इस्तेमाल किया है। आप बार चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी। यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक का भी ले लिया। अच्छा, हमारी जो फजी ब्राउनी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर जब नट्स आते हैं ना बाइट में तो काफ़ी मज़ा आता है, तो आप लोगों ने ऑप्शनल है, नट्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम को कट कर लिया था और मैंने इनको पीसेस में एक साइड पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है यहाँ पे है ग्रीस करना। अच्छा, जब भी हम लोग ब्राउनीज़ देखते हैं तो वो स्क्वायर जो टिन होता है उसके अंदर बनाया जाता है, तो मेरे पास वो था नहीं, लेकिन ये जो राउंड है इसको भी मैं स्क्वायर में कटिंग कर लूँगी, और आप देखिएगा मैं किस तरह कटिंग करती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर भी लगा दिया था। अच्छा, बटर पेपर लगा के इस वजह से भी रखते हैं क्योंकि जब हम बैटर तैयार कर लेते हैं तो उसको हम काफ़ी देर के लिए बाहर नहीं रख सकते, वो बैटर ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा जो केक या फिर जो भी हम बेकिंग वाली चीज़ बना रहे होते हैं वो डेंस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा और कोको पाउडर, इनको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। अच्छा, छानने का मकसद ये भी होता है कि जब हम इसका बैटर तैयार करते हैं तो उसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं आते और हमें मिक्सिंग में भी आसानी होती है। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक भी ऐड कर लूँगी। यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और इसके अंदर इसी स्टेज पे हमने नट्स भी ऐड कर लेने हैं और उनको भी मिक्स कर लेना है। अच्छा, नट्स ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते इट्स ओके। और इसके बाद मैं इनको एक साइड पे कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अंडे ले रही हूँ, इनको मैं बीट करूँगी, इसके अंदर मैं शुगर भी ऐड कर लूँगी। जो ब्राउनीज़ की रेसिपी होती है उसके अंदर एग्स को हमने ओवर बीट नहीं करना होता, हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही इसको बीट करना, हमने इसको फ्लफी बिल्कुल नहीं बनाना, ना ही हमने इसको क्वांटिटी में डबल करना है। बस इसके साथ मैं ऑयल भी मिक्स कर दूँगी। तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट ही बीट किया था ताकि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डालूँगी, कम से कम 1 ड्रॉप या फिर 2 ड्रॉप्स। कॉफ़ी वाला लिक्विड डाल दूँगी जो मैंने पहले से ही बना के रखा था। अच्छा, यहाँ पे कोको पाउडर और मैदा जो मैंने पहले से ही छान रख के रखा था इसके अंदर मैं एग वाला बैटर डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। कंसिस्टेंसी आप लोगों के सामने आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोगों ने भी इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके डालना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, आप लोगों के पास अगर चॉकलेट बार है वो डालें, चॉकलेट स्प्रेड है वो डाल सकते हैं, कोई भी चॉकलेट है आप उसे मेल्ट करके इसके अंदर ऐड कर दें। मेरे पास न्यूट्रेला था तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया।
अच्छा, जब भी हम केक का जो बैटर तैयार करते हैं उसको हमेशा हमने सॉफ्ट हैंड्स के साथ ही मिक्स करना होता है, और राउंड मिक्स करने के बाद फिर सेंटर में हमने कट वाला प्रोसीजर करना होता है। इससे एक तो इसमें लम्स नहीं बनते और जो हमारे बबल्स होते हैं जो हमने बीटिंग के दौरान बनाए होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। बैटर को अब मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको 3 से 4 बार टैप टैप करना है। अच्छा, ऊपर आप कोई भी स्प्रिंकलर डाल सकते हैं, चॉकलेट वाले कुछ भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर दी थी। अच्छा, अवन को मैंने पहले ही 10 मिनट प्री हीट कर लिया था, नीचे वाला रॉड ऑन कर लिया था और 180 डिग्री पे। अच्छा, जब हमारा ये जो टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमने एक बार चेक करना होता है, क्योंकि किसी का टेम्परेचर लो होता है, किसी का हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये बेक करता है। यहाँ पे हमारी ब्राउनीज़ बन के तैयार थी और इनको मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ऊपर से जो फ्लैकी बना था ना ब्राउनीज़ का जो टेक्सचर है काफ़ी देख के मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइड से इसके कॉर्नर कट कर दिए और मैंने इसको रेक्टेंगल की शक्ल दे दी। अच्छा, ब्राउनीज़ जितनी भी टेस्टी हो ना, जब तक इसकी डेकोरेशन ना हो और ऊपर से चॉकलेट या कुछ भी हम ऐड ना करें तो बच्चों को ऐसे लगता है कि ये ब्राउनीज़ इनकम्प्लीट हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने भी चॉकलेट स्प्रेड ऊपर से इसको डिज़ाइन कर लिया था और मज़े की ब्राउनी बन के तैयार थी, और बिल्कुल यहाँ पे मक्खन जैसी सॉफ्ट बनी थी। और बहुत ही सस्ती रेसिपी है, आप लोग इसे घर पे ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फुल रेसिपी में मैंने ना ही बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है ना ही बेकिंग सोडा, क्योंकि अगर हम वो दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो टेक्सचर है वो बिल्कुल केक जैसा हो जाता है और हमने उसे केक जैसा नहीं बनाना होता। इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।